हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस के टीयर वन का एग्जाम समाप्त हो चुका है। एसएससी एमटीएस के टीयर वन का एग्जाम 5 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक चला है। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एमटीएस के टीयर वन एग्जाम में टोटल कितने प्रतिशत कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, साथ ही आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं कि आंसर की कब जारी किया जाएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का अपडेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसएससी एमटीएस के टीयर वन एग्जाम में टोटल कितने प्रतिशत कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, उसके बाद जानने वाले हैं कि आंसर की कब तक जारी किया जाएगा। आप सभी देख सकते हैं कि एसएससी एमटीएस के अटेंडेंस के बारे में अपडेट आज के न्यूज़पेपर में दी गई है। इसमें कहा गया है कि आधे से अधिक ने छोड़ी एमटीएस 2021 टीयर वन की परीक्षा। इसमें आगे कहा गया है कि कर्मचारी चयन आयोग की एमटीएस 2021 की 5 जून या नहीं होगा 5 जुलाई टाइपिंग मिस्टेक है, 5 जुलाई से 26 जुलाई तक चली टीयर वन परीक्षा आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ दी। उसके बाद कहा गया कि इस ऑनलाइन परीक्षा के लिए कुल 13,28,545 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। ये डाटा सीआर रीजन यानी कि सेंट्रल रीजन के बारे में दिया गया है कि सेंट्रल रीजन में टोटल 13,28,545 कैंडिडेट रजिस्टर थे। उसके बाद आगे कहा गया कि इनमें से 6,10,534 यानी कि 45.96% लगभग 46% के आसपास अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। उसके बाद कहा गया कि यह परीक्षा मध्य क्षेत्र में यूपी और बिहार के 17 जिलों में बने केंद्रों पर हुई। यूपी में 43.83% और बिहार में 49.76% अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रयागराज में कुल 1,05,191 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से महज 50,077 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। तो सीआर यानी कि सेंट्रल रीजन का अटेंडेंस लगभग 46% के आसपास रहा है। अगर अन्य रीजन की बात करें तो लगभग सभी रीजन का अटेंडेंस वही 40-45% के बीच ही रहा है। सभी रीजन का अटेंडेंस आप लोगों को 40-45% के बीच ही देखने को मिलेगा और हर एक साल एमटीएस के एग्जाम में इतना प्रतिशत ही अटेंडेंस देखने को मिलता है। तो ऑल ओवर इंडिया अटेंडेंस आप लोगों को 40-45% के बीच ही देखने को मिलेगा। अगर आंसर की बात करें, आंसर की कब तक जारी किया जाएगा, तो आंसर की आप लोगों को 15 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को एमटीएस आंसर की 15 दिनों के अंदर यानी कि 10 अगस्त तक देखने को मिल जाएगा। एसएससी एमटीएस का आंसर की आप लोगों को एसएससी की ऑफिशियल साइट पर 10 अगस्त तक देखने को मिल जाएगा। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम के रिलेटेड जैसे ही कोई और लेटेस्ट अपडेट आएगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का अपडेट समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।